Assalamu alaikum. This is Zeeshan Sarwer, scholar of biology. आज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का. स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स, सबसे पहले मैं आपको टर्मिनोलॉजी बता दूं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की. देखिएगा जरा, प्रोकैरियोट दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है. नंबर वन प्रो, जिसका मतलब होता है जी बिफोर, और कैरियोट्स, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, ये कैरियन से निकला है. कैरियोट्स दीज आर या हैविंग कैरियन. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास कैरियन होगा हम उसे क्या बोलेंगे जी, कैरियोट्स बोलेंगे. प्रो मीन बिफोर, सो प्रोकैरियोट्स दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट डोंट हैव अ कैरियन. ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास कोई कैरियन यानी न्यूक्लियस नहीं होता. ऑन द अदर हैंड यूकैरियोट्स, यू मीन आफ्टर, या इसको मैं यू में लिख सकता हूं, दैट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड. और कैरियोट्स वही, कैरियोट्स मीन हैविंग कैरियन. So, eukaryotes are the organism that have a well-defined nucleus or carion. सबसे पहला difference करते हैं, that is यही heading से ही लिया गया, that is nucleus. देखिएगा जरा, prokaryotes के अंदर lack definite nucleus. प्रोकैरियोट के पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता. ऑन द अदर हैंड यूकैरियोट्स के पास क्या होता है, वेल डिफाइंड या डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस पाया जाता है जी. सवाल ये पैदा होता है कि अगर प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस नहीं है वेल डिफाइंड, तो उनके पास क्या चीज मौजूद है? तो उनके पास मौजूद है जी न्यूक्लियॉइड, न्यूक्लियॉइड. ये हम जाकर डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 में जाकर डिस्कस करेंगे न्यूक्लियॉइड. एक और चीज मैं बता दूं कि न्यूक्लियस ना होने की बड़ी वजह यही है कि प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. सो देखिएगा जरा, दे डोंट हैव अ न्यूक्लियर एनवेलप. न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती, लेकिन यूकैरियोट्स के पास क्या होती है, हैव न्यूक्लियर एनवेलप. चूंकि यूकैरियोट के पास न्यूक्लियर एनवेलप होती है, यही वजह है कि न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश कर देती है. ठीक है जी, चलिए अगला डिफरेंस है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल. तो प्रोकैरियोट्स का जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या होता है, डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म. प्रोकैरियोट्स का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो किसमें डिस्पर्स्ड होगा, बिखरा हुआ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर. जबकि यूकैरियोट्स का जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज एनक्लोज्ड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. जबकि यूकैरियोट्स का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर लोकलाइज्ड होगा. अगला डिफरेंस है दैट इज क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स प्रोकैरियोट्स के जो होंगे दे आर विदाउट प्रोटीन. जबकि यूकैरियोट्स के जो क्रोमोसोम्स होंगे दे हैव प्रोटीन. और इनके पास जो प्रोटीन होगी वो हम जानते हैं जी हिस्टोन प्रोटीन होती है जी, हिस्टोन प्रोटीन होती है जी.
ठीक है, इनका जो डीएनए होता है वो क्या होता है जी, विदाउट प्रोटीन होता है, यानी प्रोटीन पर रैप नहीं हुआ होता। लेकिन यूकेरियोट्स का जो डीएनए होता है वो प्रोटीन के ऊपर रैप होकर न्यूक्लियोसोम बना देता है। ये भी हम जाकर पढ़ेंगे सेकंड ईयर में, जाकर चैप्टर नंबर 20 में जाकर पढ़ेंगे। अगला डिफरेंस है दैट इज मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। याद रखिएगा प्रोकैरियोट्स के अंदर नो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स विल प्रेजेंट। प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते, बट इन द केस ऑफ यूकेरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट। अब ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं जो कि हमने बाकी ऑर्गेनेल्स पढ़ ली हुई है, वो कौन सी ऑर्गेनेल है देखिएगा जरा। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर हमने पढ़ा था गोल्जी अपरेटस, फिर प्लास्टिक्स, फिर हमने पढ़ा था न्यूक्लियस, और इसी तरह के मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर हरगिज नहीं पाए जाते। क्लियर? अगले डिफरेंस पर मैं आता हूं दैट इज राइबोसोम्स। ये कल वाले टॉपिक में भी हमने कर लिया था राइबोसोम्स। राइबोसोम बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स के अंदर। और कौन सा डिफरेंस है? इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर ऑफ 70s, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था, ठीक। और इन द केस ऑफ यूकेरियोट राइबोसोम आर ऑफ 80s। अगर इनके स्मॉलर और लार्जेस्ट सब यूनिट की बात करूं तो इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट जो लार्जेस्ट सब यूनिट है वो कितने एस का होगा? वो होगा जी 50s का, और स्मॉलर सब यूनिट जो होगा वो कितने एस का होगा? वो होगा 30s का। दोनों मिलकर 70s बनाएंगे। जबकि इन द केस ऑफ यूकेरियोट्स जो लार्जेस्ट सब यूनिट होगा वो कितने एस का होगा? वो होगा 60s का, और स्मॉलर सब यूनिट होगा 40s का, जबकि दोनों मिलकर 80s बनाएंगे। क्लियर? आगे है जी सेल वॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स। प्रोकैरियोट की जो सेल वॉल होती है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि प्रोकैरियोट्स में पाए ही कौन से ऑर्गेनिज्म जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं जी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और ब्लूग्रीनल, या साइनोबैक्टीरिया ब्लूग्रीनल ही पाए जाते हैं, यानी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ही पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन या जिसका दूसरा नाम म्यूरिन होता है वो पाया जाता है। अब ये पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है ये हमने पढ़ा हुआ, दैट इज अ पॉलीसेक्राइड। ये किसके साथ मिला होता है? जब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसेक्राइड अमाइनो एसिड के साथ जुड़ जाते हैं तो वो पेप्टिडोग्लाइकन बना देते हैं। यहां पर एक और चीज बता दूं जो कि बुक में लिखी हुई है कि इनकी जो सेल वॉल होती है उसको क्या बोला जाता है? सेक्युलस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है सेक्युलस? बिकॉज ये बहुत बड़ा लार्ज या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा चैप्टर नंबर 6 में बैक्टीरियल सेल वॉल में जाकर कि सेक्युलस होता क्या है जी और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जबकि इन द केस ऑफ यूकेरियोट्स सेल वॉल जो होती है वो किस में पाई जाती है? पहले मैं आपको बता दूं प्लांट्स के केस में सेल वॉल जो होगी वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होगी। फंजाई के केस में सेल वॉल जो होगी वो काइटन से मिलकर बनी हुई होगी, ठीक है, और एल्जी में भी सेलुलोज से ही मिलकर बनी हुई होगी। एल्जी में भी सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होगी। अगर मैं इनकी एग्जांपल मैं डिस्कस करूंगा तो आप पता चल जाएगा कि जी कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म यूकेरियोट्स हैं। तो सेल वॉल
प्रोकैरियोट की पेप्टिडोग्लाइकन, जबकि यूकैरियोट्स में प्लांट की सेलुलोज से, फंजाई की काइटिन से और एल्गी की सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होगी। सेल वॉल के बाद मैं मूव करता हूं, दैट इज सेल डिवीजन। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर कौन सी टाइप की सेल डिवीजन होती है, तो देखिएगा प्रोकैरियोट्स के अंदर ए माइटोसिस होती है जी। ए माइटोसिस मीन एब्सेंट ऑफ माइटोसिस, प्रोकैरियोट में माइटोसिस नहीं होती। इनमें होता क्या है, ये किसके जरिए से डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड करते हैं जी बाइनरी फ्यूजन के जरिए से। इसको भी हम जाकर चैप्टर नंबर 6 में जाकर पढ़ेंगे। जबकि प्रोकैरियोट्स, जबकि यूकैरियोट्स कैसे डिवाइड करते हैं जी, माइटोसिस के जरिए से डिवाइड करते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस के जरिए से डिवाइड करते हैं। इतना बता देता हूं, माइटोसिस और मियोसिस न्यूक्लियर डिवीजन होती है। चूंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता, लिहाजा उनके अंदर ए माइटोसिस होती है, या उनको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन होती है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर माइटोसिस और मियोसिस दोनों पाए जाते हैं। सेल डिवीजन के बाद मैं डिस्कस करूंगा रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया, और अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है जी। इनमें जो रिप्रोडक्शन पाई जाती है बहरहाल, इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है बट बहुत कम, या मैं यूं कहूं कि दे ग्रो वेजिटेटिवली, ये वेजिटेटिवली एसेक्सुअली ग्रो करते हैं, वेजिटेटिवली वो एसेक्सुअली भी ग्रो करते हैं। लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं वो तीनों तरह के रिप्रोडक्शन शो करते हैं जी, वो वेजिटेटिव भी करते हैं, सेक्सुअली भी करते हैं और एसेक्सुअली भी करते हैं जी। एसेक्सुअली के साथ साथ ये सेक्सुअली भी करते हैं बट बहुत कम होता है जी। फाइलोजनी की बात करूं, यानी फाइलोजनी अगर मैं इनकी एवोल्यूशन की बात करूं, ये कहां से अराइज हुए हैं या कब अराइज हुए हैं, तो मैं इतना बता देता हूं कि प्रोकैरियोट्स आर द प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स। यानी ये बहुत पुराने हैं, प्रिमिटिव को बोल दें एशियंट है। लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं दे आर द एडवांस, ये बहुत ज्यादा एडवांस है, न्यू है और बहुत आगे, यानी अब के ये हैं जी। अब ये अराइज कहां से हुए यूकैरियोट्स, दे आर अराइज फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, अराइज फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, यानी यूकैरियोट्स ही प्रोकैरियोट्स से निकले हैं। प्रोकैरियोट्स सबसे पहले सेल थे, उसके बाद फिर यूकैरियोट्स आए। इसको हम इनकी एवोल्यूशन को जाकर हम सेकेंड ईयर में जाकर पढ़ेंगे, एवोल्यूशन वाले चैप्टर में जाकर। अब लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इनकी एग्जांपल्स क्या है जी। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स की मैं एग्जांपल डिस्कस करूं तो प्रोकैरियोट्स की सिर्फ दो ही एग्जांपल है, दैट इज बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। जबकि यूकैरियोट्स की एग्जांपल्स में डिस्कस करूं तो यूकैरियोट्स में बाकी जो चार किंगडम्स हैं वो इनकी एग्जांपल हैं जी। और वो कौन कौन सी हैं जी, ये हम चैप्टर नंबर 5 में जाकर पढ़ेंगे कि जी किंगडम प्रोटिस्ट्स या किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाय, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमिलिया। तो ये चार किंगडम जो है दे लाए अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूकैरियोट्स, जबकि प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ही आते हैं। ठीक, किंगडम प्रोटिस्टा को हम जाकर पढ़ेंगे जी, किंगडम प्रोटिस्टा को हम जाकर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में जाकर, किंगडम फंजाई को पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में जाकर, जबकि प्लांटी को पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में, और लास्ट पे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर
किंगडम एनिमिलिया, जबकि प्रोकैरियोट्स का जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 6। इंशाल्लाह हम इनकी भी वीडियोस कवर करेंगे। आज के टॉपिक के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में कोई चीज कोई बात आपको समझ ना आई हो जरूर आप मुझे कमेंट कीजिएगा। आई होप आई विल रिप्लाई यू सून। थैंक यू वेरी मच।